चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आप लोगों को पता ही लग गया होगा मैं अभी कहाँ हूँ। आई एम इन मनाली। इसके लिए एक ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है एंड जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लाइक ट्रैवल, फूड, मनाली स्पेशल फूड, मनाली फेमस फूड, बहुत सारी चीज़ें आएंगी अपने इन 4 डेज को एक ही वीडियोज में कम्बाइन करने के लिए। बट हो सकता है कि 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाए। हमारा जो है day 1 है, तो आज हम कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि पूरी रात हमने जाके ट्रैवल करा है। तो आज हम जा रहे हैं सिर्फ मॉल रोड मनाली की शॉपिंग वगैरह या फिर जो भी फेमस फूड है, स्ट्रीट फूड है मनाली का, वो ट्राई करेंगे एंड आपको बताएंगे कि कैसा है सब कुछ, कैसा नहीं है। तैयार होते हैं, उससे पहले आप ये व्यू देखो। ओके, सो दिस इज आर रूम। तो एक बेड यहाँ पे नीचे है, एक बेड ऊपर की साइड है और ये है बैल्कनी और इसका व्यू यार एकदम ऑसम है, ऑसम। और ये ऊपर एक छोटा सा बेड भी था अपस्टेयर्स जो कि बहुत ही क्यूट है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। ये माउंटेन्स इतने क्यूट लग रहे थे ना यार। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी मॉल रोड के लिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है हमको जाने में। ये है मनाली का फेमस सिड्डू। तो ये सिड्डू इतना ज़्यादा खास नहीं था, वेज था, इतना मेरे को टेस्टी तो नहीं लगा वैसे। ये है चिकन मोमोज जो कि ठीक थे, टेस्टी थे, बट ये शॉप एकदम, इनकी सर्विस बेकार थी। चटनी हमने मांगी, इन्होंने दे ही नहीं थे। जब चटनी ख़त्म होगी तो मांगेंगे ना, एकदम बेकार सर्विस। उसके बाद हमने ये पानी पूरी अब हम खा रहे हैं। भैया ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पानी पूरी बनाई थी, नो डाउट। बहुत ही अच्छे हाइजीनिक तरीके से भैया ने मतलब दिया था पानी पूरी, टेस्टी थी। अब यहाँ से ये आंटी छोटे छोटे गुलाब जामुन सर्व करी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर हम इस रेस्टोरेंट में गए हैं अभी चिकन खाने के लिए। तो ये हमने लिया है फिश टिक्का और साथ में लिया था चिकन टिक्का जो बहुत टेस्टी था। तो मनाली में बहुत ज़्यादा रश है, मॉल रोड पूरी भरी हुई थी लोगों से। अगर आप अभी सुकून के लिए जा रहे हो तो अभी मत जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है आपको मनाली में। मेरे को यहाँ पे किसी ने बताया कि रोहतांग पास जो है वो अभी बंद है, वहाँ पर भी विजिट नहीं कर सकते हो। तो आप तभी जाना, अगर आप रोहतांग के लिए जा रहे हो तो अभी मत जाना। सो दिस इज़ day 2 इन मनाली एंड कल तो हमने इतना कुछ किया नहीं क्योंकि मॉल रोड पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद हम वापस होटल में आ गए थे। मनाली में जो है रोहतांग पास बंद है, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कुछ भी करने लायक है नहीं यहाँ पे। लोगों से पूछा है कि हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। एक तो अटल टनल सब बोल ही रहे हैं, अटल टनल और एक जगह है मनी करके, अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, बस रेडी हो रहे हैं थोड़ी देर में एंड फिर हम मनी के लिए निकल रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, मेरे को भी बताया, क्योंकि मनी के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है पहले। यहाँ पे ये सिस्टम है, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मनी जाने के लिए। तो अभी प्लान चेंज हो चुका है, हम जा रहे हैं हिडिम्बा देवी टेम्पल। तो अब चलते हैं वहाँ पे। अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और चलते हैं। ये हम आ गए हैं हिडिम्बा देवी टेम्पल और यहाँ का रश एक बार देख लो, इतना ज़्यादा ठूस ठूस के लोग यहाँ भरे हुए हैं। मेरे को लगता है दिल्ली हरियाणा के सब यहीं आ गए हैं। यहाँ पे एक आंटी रैबिट के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कह रही थी। ये है हिडिम्बा देवी टेम्पल। तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुई है हिडिम्बा देवी जी की और यहाँ पे लाइन लग रखी है। लिटरली मेरे को बैठे हुए 1.5 घंटा हो चुका है और अब तक मेरे मम्मी पापा का नंबर भी नहीं आया है। यहाँ पे हो रही है लड़ाई एकदम, थोड़ी देर के लिए मुझे एंटरटेनमेंट मिल गया, मैंने इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो मेरे को मिल गया, कोई नहीं। अब मेरा नंबर आ चुका है, ये सीइंग है, रियल है ये। दीदी थोड़ी दूरी बची हुई है बट कोई नहीं, बस आ गया नंबर ऑलमोस्ट। अब हम यहाँ आए हैं घटोत्कच जी का एक छोटा सा यहाँ पे मंदिर टाइप सा बना हुआ है। तो यहीं पे ना ये पार्क भी है जहाँ के लिए ना टिकट लगती है, तो इस पार्क में चलते हैं।
यहाँ छोटा सा कैफ़े है, बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ पे ना मैं बहुत थक गई थी, तो हमने ना चॉकलेट शेक ऑर्डर किया था क्योंकि टेस्टी था। फिर नीचे उतर के हमने यहाँ पे देखा, एकदम उसके सामने पार के ये एक दो लड़कियाँ थी यहाँ पे, एक डॉटर और एक मदर, उनका है ये। यहाँ हमने राजमा चावल ऑर्डर करे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यम लग रहे हैं देखने में, तो खाने में भी अच्छे हैं। भाई ये मोमोज की इतनी चटनी बवाल है कसम से। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बारिश आ रही है, मनाली में रेगुलरली बारिश आई जा रही है, तो ये भी आप ध्यान रखना अगर आप मनाली जा रहे हो तो, यहाँ पे बार बार बारिशें आ रही है। ये हम पहुँच गए हैं अटल टनल और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वेदर इतना औसम है, व्यू इतना प्यारा है। फर्स्ट टाइम मैं अटल टनल विज़िट कर रही हूँ, तो ये है अटल टनल। अंदर से बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी और बढ़िया है एकदम। सबसे बेस्ट जगह मुझे मनाली की यही लगी, अटल टनल के बाद का व्यू बेस्ट। सो अटल टनल क्रॉस करके हम यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक छोटी सी लेक थी जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा था यहाँ का। बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, हद से ज़्यादा ठंड है। हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं पर बहुत ठंड है। ये व्यू ब्रीथ टेकिंग व्यू है, इतना मस्त व्यू है। सो आई एम बैक होटल। ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, सो आज इतना ही घूमे हम। बारिश की वजह से बादल इतने ज़्यादा हो गए हैं, डेंस हो गए हैं। कल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात को बारिश आई थी, शाम से बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, इसलिए ऐसा हाल हो रहा है। दिस इज़ डे 3 इन मनाली एंड मनाली में हो गई है बारिश बहुत ज़्यादा। कल भी बारिश आ रही थी शाम को, आज भी बारिश आ गई है। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुका है माहौल, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो गई है। इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर जो मैं आई थी सारे वेस्ट हो गए हैं, हुडी पहननी पड़ रही है। बारिश रुकेगी तो हम जाएंगे मणिकर्णिका, मणिकरण जो भी कहते हैं। तो अभी जैसी बारिश शुरू होगी फिर चलते हैं वहाँ पे, तो देखते हैं वहाँ के रश को भी। अभी भी बारिश आई जा रही है, तो अगर अपना ट्रिप प्लान करो तो थोड़े दिन रुक के करो क्योंकि बारिश स्टॉप नहीं हो रही है। क्लाउड्स इतने ज़्यादा नीचे आ रखे हैं, इतनी ठंड हो गई है और बारिश अभी भी हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। मेडिटेशन सेंटर बंद है। तो ये है मणिकरण साहिब, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। ये देखो ये है यहाँ का पानी जो कहते हैं गर्म है ना, धुआं धुआं हो गया था इस पानी से, मतलब ये भी एक मैजिक है सीरियसली। अब हम यहाँ पे खा रहे हैं लंगर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत टेस्टी। ऊपर लंगर खाते हुए यहाँ पे जो धुआं होता है पानी का पूरा फैल चुका था, बहुत ही प्यारा व्यू था ये, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ से। आप भी देख सकते हो, आप भी अपने दर्शन कर लो यहीं से ही मेरी वीडियो के थ्रू। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का। तो यहाँ नीचे एक सरोवर टाइप बना रखा है ताकि लोग पानी से अपने आप को छिड़क लेते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ कसौल एक पार्क में थोड़ी देर चिल आउट करने। हम मनाली वापस आ गए हैं और ये है शेरे पंजाब रेस्टोरेंट। भाई साहब ये प्लेट इतनी ज़्यादा भारी है। हमने यहाँ ऑर्डर करा नान और चिकन की सब्ज़ी। ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है मनाली में, बहुत फेमस रेस्टोरेंट कहते हैं इसको। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही यम था। ये है बिरयानी, बहुत ही बढ़िया खाना था। हम जैसे यहाँ से निकले तो हो गई जोरों की बारिश और हमने ये ले लिया अम्ब्रेला। बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई साहब, मनाली में रुकने का नाम नहीं ले रही। गाइस तो डे 3 मनाली में ओवर हो चुका है एंड हम गए थे शेरे पंजाब फॉर डिनर और वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मनाली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बीच बीच में बारिश आई जा रही है, बट कोई बात नहीं, अभी तो आना मतलब सही नहीं है। मनाली यहाँ से निकल रहे हैं मनाली से घर की ओर।
कल हम निकल जाएंगे मनाली से दिल्ली के लिए और फिर जाएंगे अपने घर। ये रहा सुबह का ब्रेकफास्ट, मैगी जब फर्स्ट डे बनाई थी बड़ी गंदी बनाई थी इन्होंने, भाई लास्ट डे इन्होंने इतनी ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू मनाली, आई एम गोइंग टू मिस दिस ट्रिप रियली रियली वेरी वेरी मच, बट बारिश की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है नो डाउट, बट इट्स ओके, बाय बाय मनाली। तो अभी तो हम जा रहे हैं मॉल रोड वापस से थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, तो चलते हैं मॉल रोड जाने से पहले। जैसे ही मैं यहाँ पहुँची हूँ तो इन्होंने अपनी भगवान की मूर्ति निकाल रखी है बाहर और बहुत ही ज़्यादा बैंड बाजा बज रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो मॉल रोड जाने का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, दिल्ली से बहुत ज़्यादा अबव प्राइजेस हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई हैं, और ये लाइटर है वैसे बट बहुत सारे हाई प्राइजेस हैं यहाँ पर। आई एम बैक होम, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई रात को क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो ऑलमोस्ट पूरे रास्ते में सो ही रही थी, तो अब घर आ गई हूँ, इतना सुकून मिल रहा है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो बट एक सुकून आपको सिर्फ अपने घर में ही मिलेगा और ये बात सच है। तो आई होप आपको ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी वीडियो के थ्रू और वो आपको अच्छी लगी होंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। बाय।